हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीनेटीवी ओडिशा। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जहाँ कि स्टैटिक जीके ऊपर आधारित। तो फ्रेंड्स, एथरे आम देखने इंपोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, माने भारतर क्यों नदीबंध योजना क्यों डैम क्यों रिवर उपर अवस्थित एवं क्यों राज्य अवस्थित, से समस्त डिटेल्स ये वीडियो रे आपण माने देखिपारे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोटी समस्त एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट, कहीं समस्त एग्जाम रे यही क्वेश्चन आसे। तो फ्रेंड्स, जदि वीडियोटे भल लगे ताहले निश्चय गोटे लाइक करूँ और अधिकार अधिक कृपया सांगे साथ मानक सेयार करूँ, और जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, और आउ किसी लाटेस्ट वीडियोर अपडेट पाइबा बेल आइकन टी क्लिक करूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने ये वीडियोटी। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा डैम रिवर एंड स्टेट, माने नदीबंध नदी एवं राज्य, क्यों नदीबंध योजना क्यों नदी उपर अवस्थित एवं क्यों राज्य में अवस्थित। तो फ्रेंड्स, फास्ट देखि नि तेहरी डैम। तेहरी डैम क्यों नदी उपर निर्माण कर भागीरथी नदी उपर निर्माण करो राज्य में अवस्थित, तो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित। तो फ्रेंड्स, आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जाणी रखु, जे क्वेश्चन आसो विच इज द हाएस्ट डैम और बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया, माने तो राइट आंसर है तेहरी डैम। तेहरी डैम डैम हो भारतर उच्चतम एवं बृहत्तम नदीबंध योजना। फ्रेंड्स, एबे देखने इडुकी डैम। इडुकी डैम क्यों नदी पर अवस्थित, पेरियार नदी पर अवस्थित एवं केरल राज्य में अवस्थित। नेक्स्ट देखने सर्दार सरोवर डैम। सर्दार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर निर्माण करा जाए एवं यह क्यों राज्य में अवस्थित, ना गुजरात राज्य में अवस्थित। नेक्स्ट देखने भाक्रानंगल डैम। भाक्रानंगल डैम क्यों नदी पर निर्माण कर तो राइट आंसर है सतलेज, एवं क्यों राज्य में अवस्थित, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित। हिमाचल प्रदेश सतलेज नदी पर भाक्रानंगल डैम निर्माण कर। नेक्स्ट देखने नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम क्यों नदी पर अवस्थित, कृष्णा नदी पर अवस्थित एवं क्यों राज्य में, तेलंगाना राज्य में। तेलंगानार कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम निर्माण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हीराकुद डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो महानदी पर अवस्थित एवं क्यों राज्य में अवस्थित, ओडिशा रे अवस्थित। ओडिशा रा महानदी पर हीराकुद डैम निर्माण करा जाय छी। तो फ्रेंड्स देखो आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रही विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, माने इंडिया रो कोटा गोटे दीर्घतम नदीबंध, तो यार राइट आंसर है हीराकुद डैम। एबे देखने रिहान डैम। रिहान डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो रिहान नदी पर ही अवस्थित एवं यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित। तो फ्रेंड्स देखने उत्तर प्रदेश रिहान नदी पर रिहान डैम निर्माण करा जाय छी। तो फ्रेंड्स आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ रिहान डैम्र अन्य नाम कौन, बा विच इज द अदर नेम ऑफ रिहान डैम। रिहान डैम्र अन्य नाम हूँ गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लखवार डैम। लखवार डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो जमुना नदी पर अवस्थित एवं क्यों राज्य में, उत्तराखंड में अवस्थित। तो फ्रेंड्स जाणी रखु उत्तराखंड यमुना नदी पर लखवार डैम निर्माण करा जाएछि। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीशैलम डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर निर्माण करा जाएछि एवं क्यों राज्य में अवस्थित, तेलंगाना राज्य में अवस्थित। तेलंगानार कृष्णा नदी पर श्रीशैलम डैम निर्माण करा जाएछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनियो तो पाकालडुल डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो मरुसदर नदी पर अवस्थित एवं क्यों राज्य में अवस्थित, जम्मू एवं काश्मीर रे अवस्थित। तो जम्मू एंड काश्मीर रे मरुसदर नदी पर पाकालडुल डैम निर्माण करा जायछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने सालाल डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो सालाल डैम चेनाब नदी पर निर्माण करा जायछि एवं क्यों राज्य में अवस्थित, एटा मध्य जम्मू काश्मीर रे अवस्थित। जम्मू काश्मीर रो चेनाब नदी पर सालाल डैम निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट देखने पोंग डैम। पोंग डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो बेयस नदी पर निर्माण करा जायछि। क्यों राज्य में अवस्थित, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित। हिमाचल प्रदेश बेयस नदी पर पोंग डैम निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजित सागर डैम। रंजित सागर डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो रवि नदी पर निर्माण करा जायछि एवं क्यों राज्य में अवस्थित, तो पंजाब राज्य में अवस्थित। पंजाब रवि नदी पर रंजित सागर डैम निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट देखने चक्र डैम। चक्र डैम क्यों नदी पर अवस्थित, तो चक्र नदी पर ही अवस्थित एवं क्यों राज्य में, तो कर्णाटक रे। कर्णाटक चक्र नदी पर चक्र डैम निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मेटूर डैम। मेटूर डैम क्यों नदी पर निर्माण करा जायछि, तो राइट आंसर है कावेरी नदी। एवं क्यों राज्य में अवस्थित, तो तमिलनाडु रे अवस्थित। तमिलनाडु कावेरी नदी पर मेटूर डैम निर्माण करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲମାଟି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଲମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଆଲମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି? ତୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ତୋ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କୋଏନା ଡ୍ୟାମ୍, କୋଏନା ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କୋଏନା ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଏନା ନଦୀ ଉପରେ କୋଏନା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବନସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ବନସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ତ ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୋନ ନଦୀ ଉପରେ ବନସାଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଲା ପେରିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି? ତ ପେରିୟାର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ, କେରଳର ପେରିୟାର ନଦୀ ଉପରେ ମୁଲା ପେରିୟାର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଲପୁତ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଜଲପୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୋର୍ଡ଼ରରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ଜଳପୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ବା ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ୱିଲସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ୱିଲସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ତ ପ୍ରବରା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରବରା ନଦୀ ଉପରେ ୱିଲସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉରୀ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଝେଲମ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଉରୀ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଥ୍ପା ଝାକ୍ରି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ସତଲେଜ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସତଲେଜ ନଦୀ ଉପରେ ନାଥ୍ପା ଝାକ୍ରି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।